अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों। बेटा आज हमारा लेक्चर है, हमारे पास हमने पढ़ना है फ्यूचर सिंपल टाइप टू। ठीक है, मैंने आप लोगों को थोड़ी देर अभी सेंटेंसेस नोट डाउन करने के लिए टाइम दिया था। नाउ बेटा आप जरा इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं, सब बच्चे जरा ध्यान रखिएगा। शायान बेटा जरा माइक पर आइएगा मेरा बच्चा। बेटा यस सर, जरा सेंटेंस पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अब बेटा मेरे पास गाड़ी होगी। इसका बताओ हमारे पास क्या बनेगा सेंटेंस। आई विल हैव अ कार। शाबाश। नेगेटिव क्या बनेगा। आई विल नॉट हैव अ कार। ठीक है, इंट्रोगेटिव क्या बनेगा बेटा। विल आई नॉट हैव अ कार। हो 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 इंटरगेटिव, विल आई हैव अ कार। ठीक है, और विल आई नॉट हैव अ कार। शाबाश। ओके गुड। अच्छा आयान बेटा माइक पर आओ। मेरा जी सर, बच्चा जरा ये सेंटेंस पढ़ो बेटा क्या लिखा हुआ है, ये स्क्रीन पे देखो। क्या हमारे पास पैसे होंगे? क्या हमारे पास पैसे होंगे। अच्छा नवीर बेटा एक मिनट रुको, बेटा मैं पूछता अभी एक मिनट, ये सेंटेंस बना के पूछना था एक मिनट रुको। मेरे बच्चा मुझे बताओ बेटा इसका हमारे पास क्या बनेगा, बताओ आंसर। इंटरोगेटिव मानो क्या बनेगा। विल वी हैव अ मनी? विल वी हैव मनी। मनी बेटा अनकाउंटेबल है, उसको काउंट नहीं करते। विल वी हैव मनी। इंटरोगेटिव मानो क्या बनेगा। इंट्रोगेटिव बनेगा। इंटरोगेटिव बना लिया, अफर्मेटिव बनाओ। हाँ, अफर्मेटिव। वी विल हैव मनी। शाबाश। वी विल हैव मनी। नेगेटिव क्या बनेगा बेटा। ठीक वी विल नॉट हैव मनी। है, वी विल नॉट हैव मनी। और बेटा नेगेटिव वो बताओ, नेगेटिव क्या बनेगा। सॉरी इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव तो बन गया, इंट्रो नेगेटिव क्या। हाँ विल वी हैव नॉट मनी? ओ नहीं गलत। विल वी नॉट हैव मनी। विल वी नॉट हैव मनी। ठीक है Will we not have money? ओके। मेरे Money. बच्चा बेटा बेटा मेरे बच्चे जरा यहाँ तक बेटा करो। और नमीर बेटा माइक पर आओ, मेरे बच्चे क्या बोल रहे हो आप। अरे एक मिनट, वो जो आपने पीछे लिखने के लिए दिया था ना। स्ट्रक्चर। यस सर, वो एक मिनट दे रहे, स्क्रीनशॉट लेने में मैं देर से कनेक्ट करी थी। ओके बेटा एक मिनट रुक जाओ। ये लो बेटा स्क्रीनशॉट लो, फिर मुझे बताओ। ले लिया सर। ओके मेरा बच्चा। अच्छा मेरे बच्चों बेटा जल्दी से यहाँ तक नोट डाउन करो, उसके बाद बेटा मैं आपको जो है प्रेजेंट के सॉरी प्रेजेंट बोल रहा हूँ पास्ट के आंसर बताऊंगा, देन बेटा मैं आपको फ्यूचर करूंगा। और भाई बता दिया करो, तमाम बच्चों को बोल रहा हूँ कम से कम इतना तो तुम लोग बताते ही नहीं हो। इतनी देर से मैंने बोला हुआ था नोट डाउन करो, तुम लोगों ने नोट डाउन करने का नाम ही नहीं ले रहे। या अगर कर चुके हो तो मेरे बच्चों इन्फॉर्म तो करो कम से कम मुझको यहाँ तक। अब ये नोट डाउन करने के बाद जरा मुझे मैसेज करो डन का, ताकि फिर मैं आपको पास्ट के आंसर भी बताऊं और बेटा फिर मैं आपको फ्यूचर के भी आंसर करने के लिए दूं। जल्दी से कीजिएगा बेटा। शाबाश। मेरे बच्चों मैं 2 मिनट और दे रहा हूँ, उससे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा बेटा मैं।
चलो मेरे बच्चों, बेटा मैं आपको जो है अब बता रहा हूँ पास्ट के आंसर, और मेरे बच्चों उसके बाद बेटा हम आपसे डिस्कस करेंगे ये वाली चीजें सारी की सारी। मैं आपको उसके बाद बेटा सारे के सारे फ्यूचर के करने के लिए दूंगा। नाउ लिसन बेटा, हमारे पास ये वाले सेंटेंस थे जो मैंने आपको बनाने के लिए दिए थे। अब जरा देखो, सेंटेंस था थर्ड वाला, तुम्हारे पास मोबाइल था, तो इसका बनेगा यू हैड अ मोबाइल, यू डिड नॉट हैव अ मोबाइल, डिड यू हैव अ मोबाइल, डिड यू नॉट हैव अ मोबाइल। फोर्थ है बेटा हमारे पास, क्या उसके पास कंप्यूटर नहीं था, तो क्या बनेगा। बेटा देखो, इस सेंटेंस से हमें नहीं पता चल रहा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम लड़के के बारे में बात कर रहे हैं या लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या बनेगा। डिड ही या शी दोनों आ सकते हैं, नॉट हैव अ कंप्यूटर, जो भी लगाओ कि सही रहेगा, लेकिन मैं अब एक ही यूज कर रहा हूँ तो मैंने ही लगाया था आगे, सही है। तो क्या बनेगा, ही हैड अ कंप्यूटर, ही डिड नॉट हैव अ कंप्यूटर, डिड ही हैव अ कंप्यूटर। याद रखना बेटा, अफर्मेटिव में हैड आ रहा है और बाकी सब में अगर डिड आएगा तो उसके साथ हैव लगेगा, हैड मत लगा देना। मैं 10 तक काउंट कर रहा हूँ, क्वेश्चन देख लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नेक्स्ट बेटा हमारे पास, उसके पास चूड़ियां नहीं थी। अब अच्छा, सेंटेंस को अगर नोट करें तो इसमें भी लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं, भाई क्या पता शॉपकीपर हो, दुकान वाला हो। तो मेरे बच्चों हम फिर भी, लेकिन जो सेंस बन रहा है वो शी का बन रहा है, तो लिहाजा शी लगाएंगे। क्या आएगा हमारे पास, शी डिड नॉट हैव बैंगल्स, अफर्मेटिव बनेगा शी हैड बैंगल्स। इंटरवेटिव बनेगा डिड शी हैव बैंगल्स, डिड शी नॉट हैव बैंगल्स। सिक्स बनेगा, क्या उनके पास नए कपड़े थे, तो क्या बनेगा, डिड दे हैव न्यू क्लोथ्स, दे हैड न्यू क्लोथ्स, दे डिड नॉट हैव न्यू क्लोथ्स, और डिड दे नॉट हैव न्यू क्लोथ्स। मैं 10 तक काउंट कर रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। तुम्हारे बाल लंबे थे, क्या बनेगा, यू हैड लॉन्ग हेयर, यू डिड नॉट हैव लॉन्ग हेयर, डिड यू हैव लॉन्ग हेयर, डिड यू नॉट हैव लॉन्ग हेयर। 8 बनेगा बेटा, अली की मूछें बड़ी थी, अली हैड बिग मुस्टैश, अली डिड नॉट हैव बिग मुस्टैश, डिड अली हैव बिग मुस्टैश, डिड अली नॉट हैव बिग मुस्टैश। 10 तक काउंट कर रहा हूँ बेटा, उसके बाद मैं आपको फ्यूचर के आंसर करने के लिए दे रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ पर हमने आपको पास्ट के आंसर बता दिए, और बेटा अब आपकी बारी है फ्यूचर सिंपल टाइप टू की। इसके बाद जो होगा बेटा हमारे पास शुरू होंगे असल सेंटेंसेस, जो होंगे मेरे बच्चों वो शुरू होने वाले हैं। काइंडली बेटा, दरअसल ये भी इस तरह के भी आते हैं, लेकिन मेक श्योर मेरे बच्चों के बेटा आप लोग जरा इन सेंटेंसेस को ध्यान से बनाओ, क्योंकि मुझे आपको आगे के टेंसेस भी करवाने हैं, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन बेटा ट्रांसलेशन तो आप लोग वैसे ही पढ़ते हुए आ रहे हो एक लंबे अरसे से, तो पहले बेटा आप ये बनाना शुरू कर दो। मैंने आपको स्ट्रक्चर लिखवा दिए, इसकी दो एग्जाम्पल्स भी करके दिखा दी, तो बेटा आप ये फटाफट बनाओ। कोशिश करो कि अभी क्लास में बना दो, नहीं होगा तो बेटा फिर देख लेंगे क्या करना है, लेकिन अभी के लिए काम तो करो। याला शाबाश, शुरू हो जाओ। मैं चलो एक मरतबा सेंटेंस पढ़ देता हूँ। तुम्हारे पास मोबाइल होगा, क्या उसके पास कंप्यूटर नहीं होगा, उसके पास चूड़ियां नहीं होंगी, क्या उनके पास नए कपड़े होंगे, तुम्हारे बाल लंबे होंगे, अली की मूछें बड़ी होंगी। बेटा यहां तक करना तुम लोगों ने, शाबाश।
शाबाश बेटा शायन, अभी तक सिर्फ एक बच्ची का मैसेज आया मेरे पास कि भाई कर लिया उसने, सारे सॉल्व कर लिए। मैं और वेट कर रहा हूँ, देखता हूँ और बच्चों के मैसेज आए, फिर मैं तुम लोगों का आंसर बताना शुरू कर दूंगा। शाबाश बेटा नवीर। बेटा मैं तुम लोगों को 3 से 4 मिनट और दे रहा हूँ, उसके बाद बेटा मैं आंसर बताना शुरू कर दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे पास फ्यूचर यहाँ तक कंप्लीट हो जाए, मुझे आंसर नेक्स्ट क्लास के लिए मत रोकने पड़े। तो जल्दी करो, मैं बस 3 से 4 मिनट दे रहा हूँ, उसके बाद आंसर बता रहा हूँ।
अब हमारे पास आयान का भी मैसेज आ गया, मरियम का भी आ गया, मिनल का भी आ गया। गुड मेरे बच्चों, बेटा जरा हम आंसर बताना शुरू कर रहे हैं, ठीक है? लेट्स बिगिन। बेटा हमारे पास पहला सेंटेंस आ रहा है, तुम्हारे पास मोबाइल होगा, इसका बनेगा यू विल हैव अ मोबाइल, यू विल नॉट हैव अ मोबाइल, विल यू हैव अ मोबाइल, विल यू नॉट हैव अ मोबाइल। ठीक है, सिंपल आंसर था, कोई इतना कोई डिफिकल्ट नहीं था ये। लेकिन आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग, अब क्या लिखा हुआ है, क्या उसके पास कंप्यूटर नहीं होगा? अब देखो इस सेंटेंस से नहीं पता चल रहा कि लड़का या लड़की है मेरे बच्चों, तो हम ही भी लगा सकते हैं, शी भी लगा सकते हैं, ओके? तो बोथ आर करेक्ट। विल ही विल हैव अ कंप्यूटर, ही विल नॉट हैव अ कंप्यूटर, और विल ही नॉट हैव अ कंप्यूटर। 10 तक काउंट करो मेरे बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, उसके पास चूड़ियां नहीं होंगी तो क्या बनेगा? शी विल नॉट हैव बैंगल्स, शी विल हैव बैंगल्स, विल शी हैव बैंगल्स, विल शी नॉट हैव बैंगल्स। 6 से क्या उनके पास नए कपड़े होंगे? इसका बनेगा विल दे हैव न्यू क्लोथ्स, दे विल हैव न्यू क्लोथ्स, दे विल नॉट हैव न्यू क्लोथ्स, और विल दे नॉट हैव न्यू क्लोथ्स। एंड द काउंट कर रहा हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग, तुम्हारे बाल लंबे होंगे, इसका बनेगा यू विल हैव लॉन्ग हेयर, यू विल नॉट हैव लॉन्ग हेयर, विल यू हैव लॉन्ग हेयर, विल यू नॉट हैव लॉन्ग हेयर। और नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, अली की मूंछें बड़ी होंगी, इसका बनेगा अली विल हैव बिग मुस्टैश, अली विल नॉट हैव बिग मुस्टैश, विल अली हैव बिग मुस्टैश, विल अली नॉट हैव बिग मुस्टैश। तो मेरे बच्चों बेटा यहाँ पर हमारे पास आज का लेक्चर हुआ खत्म। मुझे जरा जल्दी से बताओ तुम लोगों की कितनी कितनी मिस्टेक्स आई हैं। वैसे हैरानी तो नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ही आसान था आज का, तो बट स्टिल मैं पूछना चाहूंगा कि तुम लोगों की कितनी मिस्टेक्स आई हैं, बताओ भाई। इतनी मिस्टेक्स एंड ऑल क्लियर, सारा बताओ बेटा, सबके सब बताओ, इतनी मिस्टेक्स एंड ऑल क्लियर, शाबाश। ओके तो मेरे बच्चों बेटा माशाल्लाह से बताओ अक्सरियत का तो खैर अच्छा ही हुआ है, ठीक है? तो बेटा इसको हम आज यहाँ पे रोकते हैं, इंशाल्लाह मेरे बच्चों जरा नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। फिर हमारे पास यहाँ पर जो हम लोगों ने टेंसेस कर लिए, अब बेटा हम लोगों ने नेक्स्ट लेवल ही करने होंगे, तो गुड थिंग मेरे बच्चों अभी इसको हम यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है? इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट क्लास में हम अलग लेक्चर से आपसे मतलब कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।